30 की उम्र में फिट रहने के लिए खाएं ये चीजें। 30 साल की उम्र के बाद महिलाओं के शरीर और सेहत में कई बड़े बदलाव होते हैं। 40 की उम्र में पहुंचते पहुंचते शरीर में मांसपेशियां कम होने लगती हैं, वहीं हार्मोन्स भी असंतुलित रहने लगता है और स्वभाव भी हल्का चिड़चिड़ा होने लगता है। इसके अलावा कुछ महिलाओं का वजन भी बढ़ने लगता है। 40 साल की उम्र तक अधिकतर महिलाएं कई बीमारियों से घिर जाती हैं। इनमें हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड, डायबिटीज़, मोटापा, मूड स्विंग्स आदि हैं। इसलिए हमेशा स्वस्थ और सेहतमंद रहने के लिए महिलाओं को बहुत सी पौष्टिक चीज़ें खाने की ज़रूरत होती है, जिनमें सारे पोषक तत्व हों। खाना अच्छा होने के साथ अच्छी नींद और तनाव मुक्त जीवन के साथ रोज़ाना थोड़ी एक्सरसाइज करके महिलाएं स्वस्थ रह सकती हैं। आइए आपको बताते हैं 12 सबसे ज़रूरी आहार और टिप्स जो 30 प्लस की उम्र वाली महिलाओं को ज़रूर खाना चाहिए। नंबर 1, हरी सब्जियां। हरी सब्जियों से आपको आयरन, जिंक, विटामिन के, ल्यूटिन, फोलेट, कैल्शियम और बीटा कैरोटीन जैसे ज़रूरी पोषक तत्व मिलते हैं, जो आपके शरीर में खून बढ़ाते हैं, आंखों की रोशनी तेज करते हैं और हड्डियों को स्वस्थ और मजबूत बनाते हैं। नंबर 2, फल। महिलाओं को हमेशा अपने आहार में फलों को शामिल करना चाहिए। महिलाओं को इसमें पपीता और चेरी फल अधिक मात्रा में शामिल करने चाहिए, क्योंकि महिलाओं में स्ट्रोक का खतरा ज़्यादा होता है। साथ ही डाइट में फलों को शामिल करने से महिलाओं की त्वचा में ताजगी बनी रहती है और उनकी बुद्धि हमेशा सक्रिय रहती है। नंबर 3, नट्स। नट्स ढेर सारे विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, हेल्दी फैट, प्रोटीन और फाइबर से भरे होते हैं। नट्स खाने से आपकी भूख शांत रहती है, वजन घटता है और कई गंभीर बीमारियों का खतरा कम होता है। अखरोट और बादाम आपको दिल की बीमारियों से बचाते हैं। मूंगफली वजन घटाने में आपकी मदद करती है। नंबर 4, फाइबर से भरपूर चीज़ों का सेवन बढ़ाएं। अधिक फाइबर खाने से हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, टाइप 2 डायबिटीज़ और कोलोरेक्टल कैंसर का खतरा कम हो जाता है। आपके शरीर को 31 ग्राम फाइबर प्रतिदिन मिलना चाहिए, इसलिए अपनी प्लेट को फलों, सब्जियों, साबुत अनाज और फलियों से भर दें, क्योंकि इनमें फाइबर की मात्रा अधिक पाई जाती है। नंबर 5, डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट खाना आपके दिल के लिए बहुत हेल्दी है। यह आपके मूड को भी अच्छा करने में मदद करती है। अगर आपको मीठे की क्रेविंग होती है और चॉकलेट पसंद है तो डार्क चॉकलेट ही खाएं, क्योंकि इसमें चीनी बहुत कम होती है। दूसरी चॉकलेट्स में शुगर का लेवल ज़्यादा होने से वो आपके शरीर को नुकसान पहुँचा सकती हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि डार्क चॉकलेट लिमिटेड मात्रा में खाएं। नंबर 6, ब्रोकली। ब्रोकली हर उम्र के लोगों के लिए फायदेमंद होती है, मगर 40 की उम्र के बाद इसका सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि ब्रोकली में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और पोषक तत्व आपको कैंसर से बचाते हैं। इसके अलावा ब्रोकली विटामिन B6, विटामिन ए और फाइबर का बहुत अच्छा स्रोत है। ब्रोकली के सेवन से वजन घटता है और अल्जाइमर जैसी बीमारियों का खतरा भी कम होता है। नंबर 7, कैल्शियम का सेवन ज़्यादा करें। जवानी में हड्डियों का गंतव्य बनता है और 25-30 साल की उम्र तक नई हड्डियों का निर्माण पूरा हो जाता है। 30 के बाद हड्डियों को नुकसान होना शुरू हो जाता है और उनमें कमजोरी आने लगती है, इसलिए कैल्शियम पर ध्यान देना जरूरी है। इस उम्र में हाई कैल्शियम फूड जैसे दही, पनीर, ब्रोकली, पालक, केल और बादाम का अधिक सेवन करना चाहिए। नंबर 8, खट्टे फल। सभी तरह के खट्टे फलों का सेवन आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि इनमें विटामिन सी होता है। विटामिन सी शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाता है और एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, जिससे हार्ट की बीमारियों और कैंसर का खतरा कम होता है। नंबर 9, अलसी के बीज। अलसी के बीजों में ओमेगा-3 फैटी एसिड और फाइबर होता है। इसके सेवन से हार्ट के बीमारियों और मस्तिष्क के रोगों से बचाव रहता है। इसके अलावा अलसी के बीज खाने से हड्डियां भी मजबूत होती हैं। नंबर 10, लहसुन।
लहसुन का सेवन हर उम्र में फायदेमंद है क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होते हैं, लेकिन 40 की उम्र के बाद महिलाओं में हड्डियों की कमजोरी की समस्या आम होती है, जिससे लहसुन आपको बचा सकता है। इसके अलावा लहसुन में मौजूद एलिसन नामक तत्व ब्रेस्ट कैंसर को रोकने में भी मददगार होता है। नंबर 11, सोयाबीन। सोयाबीन प्रोटीन से भरपूर होता है। मेटाबॉलिक सिस्टम को दुरुस्त रखने के लिए सोयाबीन का सेवन करना चाहिए। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए सोयाबीन में पाए जाने वाले पोषक तत्व काम आते हैं। 100 ग्राम सोयाबीन में 36.5 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। जिन लोगों में प्रोटीन की कमी है उन्हें सोयाबीन का सेवन करना चाहिए। प्रतिदिन एक बार सोयाबीन के सेवन आपके शरीर के लिए लाभप्रद है। नंबर 12, तली भुनी चीज़ें न खाएं। बढ़ती उम्र में आप जितना हल्का भोजन लेंगे उतना ही आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। बढ़ती उम्र में हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज और हार्ट अटैक का खतरा अधिक बढ़ जाता है, इसलिए तली भुनी चीज़ों का सेवन करने से बचें और जितना हो सके हल्का भोजन करें। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी स्वास्थ्यवर्धक जानकारी की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। स्वस्थ रहो और मस्त रहो।